कोटा में कोरोना वायरस के दो हॉटस्पॉट बने हुए हैं, जिसमें भीमगंज मंडी थाना क्षेत्र का तेलघर और हुसैनी नगर के साथ मकबरा थाना इलाके का घंटाघर इलाका शामिल है। इन सभी जगहों पर जिला प्रशासन की ओर से महाकर्फ्यू लगा दिया गया है। किसी भी बाहरी व्यक्ति के आने जाने पर पाबंदी लगा दी गई है। तो वहीं जिला प्रशासन की ओर से इन इलाकों में दूध, सब्जी, राशन और दवाइयों की होम डिलीवरी की जा रही है। कोटा में लगातार कोरोना का ग्राफ बढ़ता जा रहा है। जिन इलाकों में कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं, वहां पर महाकर्फ्यू लगा दिया गया है। लोगों को सब्जी, दूध, राशन सामग्री, दवाइयां होम डिलीवरी के माध्यम से घरों तक पहुंचाई जा रही है। कोटा में लगातार कोरोना पॉजिटिवों की संख्या बढ़ने के बाद प्रशासन ने कड़ाई से फैसला लागू किया है, महाकर्फ्यू लगाया गया है। महाकर्फ्यू के दौरान लोगों को होम डिलीवरी के माध्यम से जरूरी चीजों की सप्लाई की जा रही है। कोटा में किस प्रकार के हालात हैं, इसे जानने के लिए आपको सीधे लिए चलते हैं कोटा, जहां पर हमारे संवाददाता योगेंद्र महावर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जी योगेंद्र, किस प्रकार के हालात हैं कोटा में? बिल्कुल अच्छी, जिस तरह से कोटा में लगातार कोरोना का संक्रमण बरकरार है, उसी तरह से अभी तक कम से कम 40 कोरोना पॉजिटिव मरीज सामने आ चुके हैं। इसमें हॉटस्पॉट जो जगह बनी हुई है वो मकबरा इलाका और भीमगंज मंडी इलाके का तेलघर शामिल था, लेकिन अब इसके अंदर हुसैनी नगर शामिल हो चुका है, जिसमें कल 3 कोरोना पॉजिटिव मरीज सामने आते हैं। उसके बाद जिला प्रशासन ने तेलघर, हुसैनी नगर, मकबरा और चंद्रघंटा इलाके को पूरी तरह से सील कर दिया है। एक तरह से वहां पर महाकर्फ्यू लगा दिया और वहीं पर लोगों को होम डिलीवरी की जा रही है। हालांकि इस दौरान जो लोगों की है वो समस्या भी सामने आ रही है, लेकिन जिला प्रशासन ने उन्होंने लगातार आश्वासन दिया है कि आपकी जो भी समस्या है उसको दूर किया जाएगा और जो भी संभव प्रयास होंगे वो किए जाएंगे। तो कहीं ना कहीं एक तरह जो है जिला प्रशासन लगातार लोगों के आश्वासन दे रहा है, और दूसरी तरफ जो कोरोना का वायरस लगातार फैल रहा है उससे चुनौती जो बनी हुई है जिला प्रशासन के लिए, वो सबसे बड़ी चुनौती ये है कि जो अब जो क्वारंटाइन किए गए हैं, जो आइसोलेशन किए गए, उनमें से कोई सामने ना आ जाए, ये जिला प्रशासन की सबसे बड़ी चुनौती अभी बने हुआ है। जी जी योगेंद्र, आपसे जानना चाहेंगे कि कोटा में बहुत सारे किसान हैं, वहां पे कृषि मंडियों का क्या हालचाल है? कृषि मंडियों में क्या जींस की बिक्री हो पा रही है, ऑक्शन हो पा रहा है कि नहीं हो पा रहा है? सब्जी मंडियों के क्या हालात है? आशीष, मैं आपको बता दूं कि 2 दिन पहले जिला कलेक्टर ने एक बैठक ली थी, जिसके अंदर भामाशाह मंडी जो एशिया की सबसे बड़ी मंडी है उसको खोलने के लिए बोला था, लेकिन अभी ऐसे कोई आसार दिखते हुए नजर नहीं आ रहे। हालांकि किसानों तक ये बात भी नहीं पहुंच पा रही कि 13 अप्रैल से भामाशाह मंडी को शुरू किया जाएगा और जो गेहूं है और जो जींस है उनकी यहाँ पे खरीदारी की जाएगी, लेकिन अभी तक इस तरह के कोई हालात यहाँ पे सामने नहीं आए, क्योंकि लगातार कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या सामने आ रही है। तो इसमें एक इंतजार करने की जरूरत है अगले आदेश का, जिला प्रशासन का, कि अगला आदेश जिला प्रशासन क्या देगा। रही बात सब्जियों की बिक्री की, तो सब्जियों की बिक्री जो लॉकडाउन एरिया सभी जगह किया गया है और 30 अप्रैल तक जिला कलेक्टर ने धारा 144 लगा दी गई है, लेकिन जो हॉटस्पॉट जो जगह बनी हुई है वहां उसको पूरा सील कर दिया गया है, वहां पर कोई सब्जी की बिक्री नहीं हो रही है। लेकिन बाहर के जो एरिया है वहां पर 10 से 5 का टाइम वहां पर डिसाइड किया जाएगा, 10 से 5 में आप सब्जी बेच सकते हैं और सब्जी खरीद सकते हैं। तो 5 बजे बाद कहीं ना कहीं एक जल्दबाजी लोगों की जरूर लगी हुई है, लेकिन जिला प्रशासन ने लगातार मोर्चेज है और सब्जियों की बिक्री जहां पर नहीं हो पा रही है, जैसे महाकर्फ्यू जहां पे लगे हुए वहां पर जिला प्रशासन स्वयं ही सब्जियों की होम डिलीवरी करवा रहा है। चलिए योगेंद्र, हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो ये थे